Assalamu alaikum students. We are in week 7 and our topic is enhanced ERD. It's also called extended ERD, EERD, enhanced entity relationship diagram or extended ER model. आपको पता है हमने पहले प्रीवियसली ER मॉडल पढ़ा है, ER की केस स्टडीज भी की हैं, एनालिसिस से हमने ER डायग्राम बनाई थी, उसके कंस्ट्रक्ट्स पढ़े थे, उसको कैसे नोटेशन उसकी पढ़ी थी. नाउ टॉपिक इज इन्हांस्ड ERD, इट्स आल्सो कॉल्ड एक्सटेंडेड ERD और EERD आपको कहीं पे नजर आए तो दैट्स मीन इन्हांस्ड ERD. These are some outlines which we have to study in this topic. Why we have to develop or construct an enhanced ERD or extended ERD, and then concepts used in the जैसे हमने ERD के concepts constructs पढ़े थे, इसी तरीके से यहाँ पे जो concepts या constructs आएंगे वो क्या हैं. तो why and what is enhanced ERD? तो first of all हम इसी को देखेंगे कि why we need EERD or what is the need. Then we have to define कि actually EERD होती क्या है. Basically तो ये जो नीचे आपके पास concepts आ रहे हैं ये वाले, इन concepts की मौजूदगी में जो EERD होगी वो आपकी enhanced EERD होगी. So why EERD? इसको समझने के लिए कि ज़रूरत क्यों है EERD की, वी हैव टू अंडरस्टैंड द फॉलोइंग. जो सिनेरियो है, ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन को देखें. अगर हम आप अज्यूम करें हमारे पास एक एनालिसिस गिवन है, और वो एनालिसिस क्या है, हमारे पास कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन हैज एम्प्लॉयज, एंड फॉर एम्प्लॉय वी हैव टू स्टोर एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एज, एम्प्लॉय सैलरी, अर्ली रेट, विजिट रेट, कंटेक्ट हैव टू बी स्टोर्ड. इसको हम स्टोर करना चाहते हैं. तो अगर इस सिचुएशन को मॉडल करें अपने प्रीवियस नॉलेज के ऊपर, जो हमने ER मॉडल पढ़ा था उसकी बेस पे से मॉडल करें, तो अच्छा इसमें जो सिचुएशन है, कंडीशन है, वो क्या है, एम्प्लॉय की जो सैलरी है दैट्स ओनली बिलोंग टू दोज एम्प्लॉयज विच आर परमानेंट, एंड अर्ली रेट इज ओनली फॉर द विजिटिंग एम्प्लॉयज, और विजिट रेट इज ओनली फॉर द कंसल्टेंट. मीन ये जो एट्रीब्यूट ऊपर दिए गए हैं, 3, 4, 5, 6, 7 एट्रीब्यूट्स हैं, इन 7 एट्रीब्यूट्स को अगर देखें तो परमानेंट एम्प्लॉय के सिर्फ 5 एट्रीब्यूट्स होंगे, एम्प्लॉय ID, नेम, एज और सैलरी, कंटेक्ट नंबर. सिमिलरली जो विजिटिंग एम्प्लॉय होंगे उसकी क्या होगी, अर्ली रेट तो होगा लेकिन एम्प्लॉय सैलरी और विजिट रेट नहीं होगा, और कंसल्टेंट के विजिट रेट तो होगा और ये दो एट्रीब्यूट्स नहीं होंगे. तो ये सिचुएशन है. सॉरी, अगर ये सिचुएशन आप मॉडल कर रहे हो तो कैसे मॉडल करेंगे, वो कुछ ऐसे मॉडल होगा. हमारे पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन मैंने आपको बताया ये वाला ऑप्शन है. तो अगर ये इस ऑप्शन के रूल को हम वही ERD कि आपके पास जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय की हमने क्या बना ली, एंटिटी बना ली, बाकी सारे आपके क्या बन गए, एट्रीब्यूट बन गए, EID आपकी प्राइमरी की है, यह यहाँ पे अज्यूम किया गया है. तो अगर हम इसको देखें तो देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है. इसमें प्रॉब्लम देखें, अगर आपको इसको एग्जैक्टली ऐसे ही एम्प्लॉय एक टेबल बना दिया और उसमें ये 7 के 7 एट्रीब्यूट हमने रख दिए. अब इमेजिन करें कि अली इज अ परमानेंट एम्प्लॉय. इफ ही इज परमानेंट एम्प्लॉय देन ही हैव सैलरी बट देयर इज नो विजिट रेट और अर्ली रेट. बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, नल स्टोर कर देंगे. बट स्पेस इज ऑक्यूपाइड, स्पेस इज ऑक्यूपाइड. सिमिलरली अहमद इज कंसल्टेंट, सो ही हैज नो सैलरी और अर्ली रेट. तो यहाँ पे भी आपकी एक जगह ऑक्यूपाई हो रही है. तो आपके पास थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज हैं जिनकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, तो हर एक के लिए ये क्या होगा, दोनों का डिफरेंट होगा. तो इसी सिचुएशन को हम एक और तरह से भी मॉडल कर सकते हैं. सपोज करें हमने इसको मॉडल ही अलहदा किया है, हमने कंसल्टेंट की एक अलहदा से एंटिटी बना दी है, विजिटिंग एम्प्लॉय की अलहदा से बना दी है, और परमानेंट एम्प्लॉय की अलहदा से
तीन तीन सिचुएशंस कर दी हैं। तो इसी तरीके से जब आप इसे मॉडल करेंगे तो तीन टेबल्स बनेंगे। इसमें इशू ये होगा कि आपको अलहदा से क्या करना पड़ेगा, आप जब कंसल्टेंट डिफाइन कर रहे होंगे तो ई नेम, एज, आई डी, कंटेक्ट डिफाइन करेंगे। तो जब विजिटिंग एम्प्लॉय डिफाइन करने जाएंगे तो फिर ये चीज़ें दोबारा से जो डिफाइन की हुई हैं वो दोबारा से फिर डिफाइन करनी पड़ेंगी। परमानेंट एम्प्लॉय के लिए जब जाएंगे तो फिर से डिफाइन करनी पड़ेंगी। सपोज करें आपने अलहदा डिफाइन कर दिए हैं और फिर क्या होता है, आपने अलहदा डेटा स्टोर कर दिया है। एक एम्प्लॉय आपका जो परमानेंट एम्प्लॉय है वही आपका विजिटिंग एम्प्लॉय भी है। जब आप डाटा अपना परमानेंट एम्प्लॉय का डाटा स्टोर करेंगे, विजिटिंग एम्प्लॉय का डाटा स्टोर करने जाएंगे तो उसी एम्प्लॉय, सपोज करें अली परमानेंट एम्प्लॉय भी है और वही सेम टाइम पे क्या है, विजिटिंग एम्प्लॉय भी है, आप उसका डाटा इस टेबल में भी स्टोर करेंगे, फिर इस टेबल में भी स्टोर करेंगे तो डुप्लीकेशन आएगी। और आपको पता है डुप्लीकेशन का जो डिसएडवांटेज है वो क्या है, जब भी डुप्लीकेशन आती है तो इनकन्सिस्टेंसीज के चांसेस होते हैं। इनकन्सिस्टेंसीज के चांसेस होते हैं तो सिस्टम की इंटेग्रिटी थ्रेट होती है, इंटेग्रिटी लो होने के चांसेस होते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन कुछ सूटेबल नहीं लग रहे। ऑप्शन वन में जो है आपके पास मेमोरी हो रही है और यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, तो दैट्स द नीड कि हमारे पास कुछ और कंस्ट्रक्ट होने चाहिए जो इसको क्या करें। सो देयर इज नीड टू एक्सटेंड द ERD जो आपने पढ़ी थी, जो हमने मॉडल की, उसमें कोई न्यू कंसेप्ट इन्हांस करें, कुछ इस तरीके से इन्हांस करें कि ये जो लिमिटेशंस हैं ये क्या हो जाएं, ओवरकम हो जाएं। सो देयर इज नीड एक्सटेंडेड ERD जो हम कहते हैं ERD विद एक्सटेंडेड कंसेप्ट, इसको हम क्या कहेंगे, इन्हांस ERD या एक्सटेंडेड ERD, दैट्स द रीजन वी हैव नीड ऑफ ERD एक्सटेंडेड ERD। तो ये हमारे इस क्लिप में या इस वीडियो में हमने एक्चुअली डिस्कस की है कि हमारे पास नीड क्या है, व्हाई वी नीड एक्सटेंडेड ERD, क्यों हमें चाहिए। तो नेक्स्ट में हम कंसेप्ट्स देखेंगे, कंस्ट्रक्ट्स देखेंगे कि कौन कौन से कंस्ट्रक्ट्स एक्चुअली हमें रिक्वायर्ड हैं इन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए, कि हमें इनकन्सिस्टेंसी से बचें और जो स्पेस है जो कि एक्चुअली हमें नहीं चाहिए होती वो भी ऑक्यूपाई ना हो। थैंक यू।